और ज्यादातर सर मेरी समझ में आया है सिस्टम में बहुत बड़ा हमारे जीवन में बदलाव आने वाला है सिस्टम से। सर थोड़ा सा मेरा आपसे सर ये मेरा आज निवेदन है कि सर की पूरा ये सिस्टम है, पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा एक एक प्रोडक्ट सर हमारी समझ में आना चाहिए। तो दरअसल सर मेरा कहना आपसे सर सभी से यही है, सर खास तौर पर अनूप जी सर से, क्योंकि अनूप जी सर को मैं कई बार सर यूट्यूब पर सुना हूँ और जूम पर भी मैंने कई बार इनका सेशन लिया। अभी 2.5 महीने में मुझे इस सिस्टम को आए हुए, पर सर ऑलरेडी मैं नेटवर्क करूँ तो मैं समझना ये चाहता हूँ सर, जैसे अभी कंपनी ने हमें 3 प्रोडक्ट हमें फ्री दिया है, ओमेल, ओनेट और ट्रिम। तो सर मेरा कहना यह था सर हम इसको डीपली नॉलेज लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं मेरे लोगों को इन प्रोडक्टों के बारे में मैं नहीं अच्छे से समझा पाऊंगा, उनको फीचर्स नहीं बता पाऊंगा, तो लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। और लोगों को लाना जरूरी है, क्योंकि पैसा यदि बड़ा कमाना है तो लोग मुझे लेके आने हैं, क्योंकि लोगों को मैं सर्वाइव करूंगा। मेरे पास जब कंपनी अभी तो मुझे दिया नहीं, जब जैसे मुझे लिंक देगी तो लिंक को मैं देख करके लोगों को यहाँ लेके आऊंगा। तो मुझे क्या ऐसा बताना चाहिए, कैसे मुझे समझना चाहिए कि एक एक प्रोडक्ट की मुझे डीपली नॉलेज आए, मेरे साथ सभी लोगों को आए जो ऑलरेडी इसमें ब्रांड एम्बेसडर है, तभी जा करके तो सर लोगों को बता पाएंगे हम। तो कैसे हमें सर वो मिले, और या कोई पीडीएफ फाइल है, या आप लोग हमें सेशन से आगे बताएंगे, ऐसा क्या होगा सर? प्लीज सर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। यस अनूप सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपने जो एक सारी चीजें सीखना और समझना, इसका जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव हर किसी ने लेना चाहिए, क्योंकि हम एक आईटी कंपनी के साथ हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बैक्स ऑफ जो हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम है, उसमें उसका सर यूजर मैनुअल अवेलेबल है, मींस उसके पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस यूजर मैनुअल में सारे की फीचर्स दिए गए हैं कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से की फीचर्स हैं और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट वहां पे होंगे, अभी ओ ट्रिम है, जी सर, मेल है, जी मेल है, ओ मेल है और ओ नेट है। ओ नेट के बारे में मैंने पिछले एक लास्ट सेशन में एक थोड़ा सा मैंने उसका की फीचर्स के बारे में बताया भी था। यहाँ पे दिक्कत यह है कि हम ट्रेनिंग सेशन में, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में, जो हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम है उसे हम लाइव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उसके जो ट्रेनिंग सेशन होंगे, ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाएंगे ट्रेनिंग सेशन, बट वो ट्रेनिंग सेशन आपको की फीचर्स जो हैं उसके बताए जाएंगे, उसको आपको कोरिलेट करना है, क्योंकि वहां का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपको नहीं बताया जाएगा। हाँ, पीपीटी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपको जो आपको प्रोडक्ट मिले हैं उसमें कौन से फीचर्स हैं, कौन से की फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसका यूज आपको कैसे करना है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि हम लिंक शेयर करेंगे, तो हम क्या बोल के किसी को लिंक शेयर कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें लिंक शेयर करने का जो पैटर्न है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अभी पिछले जो बहुत सारे लोगों के अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग के, और नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरह से किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, वो शैली हमारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सारा डिफरेंट होना चाहिए। हम एक आईटी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रमोशन है वो भी एक एक टेक्निकल वे से होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात एक यहाँ पे ये है कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम सारे लोग ऑटोमेशन का पार्ट है, और ऑटोमेशन से ही आपका जो ट्रैफिक है ग्रो होगा। जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा प्रयास करना चाहते हैं, जो ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो लोग तो अपने ट्रैफिक को ग्रो करेंगे, बट जो लोग जीरो इनिशिएटिव के साथ ऑन पेस्यू में अपना फ्यूचर देखते हैं, वो भी अपने ट्रैफिक को यहाँ पर मल्टीपल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ऑन पेस्यू एक एआई बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा बहुत बड़ा पिलर है, और ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये ऑटोमेशन जो है ना, ये ऑटोमेशन सिर्फ प्रोडक्ट के साथ ही नहीं है, ये ऑटोमेशन इस कंपनी में जो एज अ फाउंडर जुड़ा, मीन जो हम प्राइमरी ट्रैफिक जुड़े हैं, हमारे साथ भी वो चीजें अप्लाई होती हैं। हम भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है, हमारे थ्रू ऑटोमेशन वर्क करेगा, हमारे
थ्रू जो ऑटोमेशन वर्क करेगा वो ट्रैफिक ग्रो करने के लिए वर्क करेगा, और प्रोडक्ट में जो ऑटोमेशन वर्क करेगा वो फीचर्स के लिए वर्क करेगा। तो आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि जितने भी टूल्स आते जाते हैं आ रहे हैं उनके की फीचर्स हम आपको एक्सप्लेन करें। और पिछला हमारा यूट्यूब पर एक लास्ट सेशन हमारा यूट्यूब पर सेव है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि ओनेट के बारे में सारे फीचर्स को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। आप उसे अगर 20 मिनट का ज्यादा से ज्यादा होगा, आप उसे अगर देख लेते हैं एक बार जाकर, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ओ कनेक्ट किस तरह से वर्क करता है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम ओ मेल, ओ कनेक्ट और ओ ट्रिम के भी फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनूप सर, एंड मे बी सर आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस। और रियली में अभी आप ओनेट को अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, ऑफिशियल चैनल 369 है, एंड एमडी कैफ खान के यूट्यूब चैनल पे उस दिन वो लाइव चला था। उसके अलावा हमारे 8 चैनल्स के ऊपर हमेशा लाइव रहता है, सो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं ओनेट के बारे में सर ने किस तरह से पीडीएफ के जरिए प्रॉपर फंक्शंस, जितने भी हमारे जो भी हमारे वहाँ पे टूल्स हैं, जो फंक्शंस हैं ओनेट के रिलेटेड, वो सारी चीजें बिल्कुल ब्रीफली क्लियर किया हुआ है सर ने। सो ऐसे ही आपके सामने और भी बाकी सारी चीजें आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच सर, एंड नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूंगा यहाँ पर अजय जी, प्लीज वेलकम है आपका। अजय सर जी मुझे बोल, मुझसे कह रहे हैं आप? नहीं सर, एक और अजय जी भी हैं चंडीगढ़ से। वही कह रहा हूँ मैं, अजय इंडिया चंडीगढ़ के नाम से हैं। ओके सो नेक्स्ट में यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा सुभाष धायरे जी, प्लीज वेलकम सुभाष जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मेंबर्स, नमस्ते ऑल फाउंडर्स, मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल सर बिल्कुल, प्लीज वेलकम। मेरा एक सवाल था, मैं दोपहर को ममता दीदी से भी बात की, तो मेरा एक ऐसा सवाल है कि मैं इकोसिस्टम में लॉगिन किया हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब मैं मोबाइल पे लॉगिन करता हूँ तो मेरे को फाउंडर और ओ मेल डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन मैं जब कंप्यूटर पे ऑन करता हूँ लॉगिन करता हूँ तो ये फाउंडर और ओ मेल दोनों डिस्प्ले होते हैं, लेकिन मैं जब फाउंडर या ओ मेल पे क्लिक करना चाहता हूँ तो वहाँ आता है कि ये आप एक्टिव नहीं है, ओ मेल पे एक्टिव नहीं है, ऐसा मैसेज कंटिन्यू आ रहा है। तो ममता मैडम ने मुझे बोला कि आप मीटिंग में आके जरा ये बात करो, अनूप सर आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग सर। इसके लिए मुझे कुछ आपसे कुछ सवाल जानकारी चाहिए होगी। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। हेलो, यस अनूप सर। आप अनूप सर बोलिए। सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उस सेकंड आपको ऑप्शन मिला। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? आप अपडेट हो गया था सर स्टार्टिंग में ना, प्लीज। ओके ओके ठीक है। तो देखिए, हमें सबसे पहले ओएस मिला था 20 को, बहुत सारे लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन किया और बहुत सारे लोग एज ए यूजर वहां पर रजिस्टर्ड हुए। उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन मिला था, वहां पे हमारी ईमेल हमें वेरीफाई करनी होती थी, और वहां पे भी लोगों ने क्या किया, यूजर साइट पे जाकर ही बहुत सारे लोगों ने वहां पे रजिस्टर्ड किया। तो आप मुझे बताइए, आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये फर्स्ट टर्म में हुआ था या सेकंड टर्म में हुआ? नहीं, मैं फर्स्ट जब रजिस्ट्रेशन किया तो मैं एज अ कस्टमर करके रजिस्टर हुआ, फिर मैं वो गुस्मिंदर सर का एक मैसेज देखा कि आप सेम जाओ वहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, मैं डिलीट किया, फिर डिलीट में जाके मैं वो डिलीट का ऑप्शन किया, फिर मैं वापस उन्होंने जैसा बोला वो सिस्टम से गया, तो मेरा वहाँ गया इको में कनेक्ट मेरा हुआ। वो होने के बाद मैं लैपटॉप पे चेक किया तो उधर हो रहा है, सब हो रहा है, मतलब वो दिन मैं मेल भी चेक किया और मेरा ओप्पो फाउंडर का भी विंडो चेक किया तो वो हो रहा है, लेकिन लास्ट दो दिन से क्या हो रहा है, लास्ट दो दिन से वो मेरे को विंडो ओपन किया तो वो बोलते हैं कि यू आर नॉट कनेक्ट इन ओ मेल, ऐसा कंटिन्यू यूजर दिस यूजर नॉट रजिस्टर्ड विद मैसेज आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मुझे, और आप बोल रहे थे कि आपको मोबाइल पे दिक्कत आ रही है, तो देखिए मोबाइल पे जिन लोगों को दिक्कत आ रही है तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा
ओ यस है एक्चुअली, ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर पर है, इसकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक नहीं बनी। और बहुत सारे लोगों को लोग बोलते हैं कि इसमें मोबाइल में थोड़ा दिक्कत आता है। तो देखिए, कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनता है या कोई वेबसाइट बनती है बेसिकली, तो वेबसाइट के तीन मोड पे उसे डिस्प्ले किया जाता है। एक होता है ब्राउजर मोड यानी डेस्कटॉप मोड, दूसरा होता है मोबाइल मोड, और तीसरा होता है टैब, जो हमारा टैब होता है ना, टैब मोड। तीनों मोड के ऑप्शन होते हैं, तीनों मोड पे उसको डिस्प्ले किया जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि जो ब्राउजर बेस जो वेबसाइट्स होती हैं, जो सिर्फ ब्राउजर पे अवेलेबल हैं, वहाँ के बहुत सारे फीचर्स जो है वो मोबाइल पर अपलोड होने में समय लेते हैं। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके मोबाइल के प्रोसेसर और रैम पर, मीन्स आपका जो मोबाइल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। अगर आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो बहुत सारी वेबसाइट्स वहाँ पे इजीली अपलोड हो जाएगी, क्योंकि जो ब्राउजर बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं उसे लोडिंग के लिए समय लगता है, क्योंकि वो लाइट वेट नहीं होती है, उसमें बहुत सारा डेटा होता है। और हमारा ये जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम है, ये एक इस पे बहुत सारा जो डेटा है ना क्लाउड पर अपलोड होता है। जैसे आप ओनेट पे जाते हो, वहाँ पे कोई फोटो वीडियो अपलोड करते हो, या फिर आप ओ मेल के थ्रू किसी को वीडियो भी सेंड करना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे जितने आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं ये सारे प्रोडक्ट क्लाउड क्लाउड पे ये सारे प्रोडक्ट जो है ये इन्हें अपलोड किया गया और क्लाउड के थ्रू हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है। और आपका ये जो प्रॉब्लम आपने बताया कि आप जब ओ मेल को क्लिक करते हो तो आपको वहाँ मैसेज आता है, एक एरर शो आता है, तो एक्चुअली एक टेक्निकल डिसीजन है कंपनी की तरफ से कि बहुत से प्रोडक्ट का जो एक्सेस है सारे लोगों को नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हमें एंटर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओनेट को यूज कर पा रहे हैं बट वहां पे अपनी प्रोफाइल नहीं बना पा रहे, मीन्स अपना प्रोफाइल फोटो नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर किसी को कोई फोटो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उस दिन जो वेबिनार हुआ था ऐश सर का, तो जूली मैम ने ऐश को पूछा था कि ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेक्निकल डिसीजन और ये डिसीजन कंपनी की तरफ से लिया गया है, टेक टीम की तरफ से वो थोड़ा थोड़ा करके एंटर कर रहे हैं सारे लोगों को, कि 14 लाख लोग अगर वन टाइम अगर अपना फोटो वीडियो और अपने फोटोज प्रोफाइल फोटोज अपलोड करना शुरू कर दे तो क्लाउड पे इतना सारा डेटा वन टाइम अपलोड नहीं हो सकता है, और उस केस में सर्वर भी क्रैश हो सकता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके हमें एंटर किया जाएगा। और उन्होंने एक ये बात भी कही जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम सभी के लिए, कि अभी जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा है, किसी का ईमेल जो है ऑलरेडी वेरीफाई बता रहा है, कोई ओमेल को क्लिक करता है तो वहाँ पे एरर शो हो रहा है, कोई अगर अपना फोटो अपलोड करना चाहता है तो फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं इसे बिल्कुल भी आप कोई बग या ग्लिच का नाम मत दे। हमने भी कहा था ये टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, बट यहाँ से मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ चीज, जितने भी हम फाउंडर्स हैं हम बिल्कुल ये बात ना बोले कि ये टेक्निकल कोई ग्लिच है या फिर ये टेक्निकल कोई बग इसमें आ रहे हैं, मीन्स ये टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है कंपनी की तरफ से, हमें बिल्कुल भी इस वर्ड का हमें यूज नहीं करना है। हमें सिर्फ अगर ये इशू आ भी रहे हैं तो ये हमारे आपस के इश्यूज है, सबसे पहली बात। हम फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव कंपनी में, और यहाँ पे हमारा जो मोड है ना वो कंप्लेंट का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ उनका जो एक मोड होता है, मोड ऑफ यानी जो वो बात करते हैं या फिर वो वहाँ पे कमेंट भी लिखते हैं, तो उसमें कंप्लेंट दिखती है कि भाई मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। ये हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का, हमने इसे बनाया है पिछले कितने दिनों से, कितने सालों से, और हम ही अगर कंप्लेंट करेंगे तो फिर हम हमारे खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, ये कंप्लेंट तो हमारे खिलाफ हो जाएगी ना, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम बन रहा है ये हमारे लिए बन रहा है। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो सारी दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें जो एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड होती हैं जहां पर डेटा अपलोड किया जाता है, उन वेबसाइट्स में ये दिक्कतें आती हैं शुरू में, जब तक वो एक प्रॉपर तरीके से स्टेबल ना हो जाए, और इसको स्टेबल होने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और अभी ये जो छोटी मोटी चीजें आ रही हैं इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है टेक्निकल टीम की तरफ से, क्योंकि ये हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं है। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले एंटर हो जाए, सबसे पहले स्मूथली। एक बार वो एंटर हो गए तो फिर जो फाउंडर्स एंटर नहीं हो पा रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हें एंटर करने का प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद भी कुछ लोग बच जाते हैं तो उन्हें एंटर करने का प्रोसेस किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो हैं उनके जो ईमेल एड्रेसेस हैं उन ईमेल एड्रेस का पासवर्ड वो भूल चुके हैं,
ना तो कोई रिकवरी मोबाइल नंबर उन्होंने दिया था और ना ही रिकवरी कोई उनका मेल एड्रेस वहां पे दिया था। बहुत सारे लोगों का जो फोन है वो भी गुम हो चुका है। तो ऐसे जो केसेस हैं उन्हें भी कलेक्ट किया जाएगा, उनके जो ब्लेसर्स हैं उनके थ्रू, उनके जो ब्लेसर्स हैं वो वहां पे एक ऐसा रोल प्ले करेंगे कि भाई हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और ये जो हमारे नीचे जिनको हमने ब्लेस किया था वो वही इंसान है जिनको हमने किया था और इनका ये जो ईमेल एड्रेस है आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें होगी और हम बहुत ज्यादा नजदीक हैं, हमारे जो लिंक्स हैं मे बी आने वाले किसी भी दिन वो लिंक्स आपको मिल सकते हैं और उसके बाद फिर हमारा एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा। तो जो ये इश्यूज आ रहे हैं तो इसे हम बग्स या फिर टेक्निकल फॉल्ट का हम नाम ना दे, हम सिर्फ ये बोले कि भाई सिस्टम अभी स्टेबल हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। थैंक यू।